नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खबरेवा से है जहां कांडी बाबा के घर पर प्रशासन का चला बुलडोजर, सहयोगियों के घर भी हो सकती है कार्रवाई। दुष्कर्मी बाबा के कुड़ स्थित आवास में चला प्रशासन का बुलडोजर। आपको बता दें कि ढोगी संत सीताराम बाबा ने सर्किट हाउस में किशोरी के साथ अपने साथियों के सहयोग से दुष्कर्म किया था। कोर्ट में भी वकीलों ने बाबा की जमकर धुनाई कर दी थी। बाबाओं की अब हालत खराब हो गई है, वहीं सहयोगियों के भी पसीने छूटने लगे हैं। कई हिस्ट्री सीटर सफेद पोशों की शरण में पहुंच चुके हैं। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चले कि दुष्कर्म के बाद बाबा को सिंगरौली से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू की गई थी। ये जो आपको जानकारी होगी, 28 तारीख की रात्रि में जो घटना घटी थी, इसकी रिपोर्ट बच्चे के द्वारा 29 तारीख को की गई थी। उसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी जो था विनोद पांडे, जिसके द्वारा लड़की को, बच्ची को फ़ोन करके बुलाया गया और उसके बाद फिर उस अपने साथियों के साथ मिलकर उसको बाबा के साथ कमरे में बंद कर दिया गया था और उसके बाद बाबा के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। उसकी रिपोर्ट पर से 4 लोगों पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था प्रथम दृष्टया, और उसके बाद फिर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें दोनों को आज जेल भेजा गया है। इसमें से विनोद पांडे पहले गिरफ्तार था, वो जेल चला गया है, और दूसरा जो आरोपी था हमारा सीताराम, उसको 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जो है वैधानिक तरीके से की जाएगी। सर, सिविल पुलिस आरोपियों को पैदल निकाला गया है तक के लिए? ये वहाँ कुछ गाड़ी की दिक्कत हो रही थी, पहले वो लोग गाड़ी से आने वाले थे, बाद में पता लगा कि गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई, वो गाड़ी कहीं और दूसरी जगह चली गई, इसके कारण से सिविल लाइन से उनको लाया गया। कोर्ट फेस करने के दौरान कई सारे वकील भी, बहुत ही नज़दीक है सिविल लाइन थाना, कोर्ट बहुत डिस्टेंस पर नहीं, इसलिए ला दिया गया। कोर्ट फेस करने के दौरान आरोपी को वकीलों ने दौड़ाया भी था? नहीं, आरोपी को क्या है कि थोड़ा सा निश्चित रूप से इस तरह का देख के उसने चोला पहन रखा था, और उसके बाद उसने जो घटना की, इससे समाज के लोगों में, वकीलों में, जनता में थोड़ा सा आक्रोश तो था ही कि बाबा ने इस तरह का रूप धारण करके एक बच्ची के साथ में ऐसी घटना की, उस कारण से थोड़ा आक्रोश था। लोगों को समझा दिया गया, वकील सब पढ़े लिखे लोग थे, उनको समझा दिया गया, लेकिन थोड़ा मन में जो आक्रोश था, इस कारण से थोड़ा सा पुलिस को जल्दी से आरोपी को शिफ्ट करना पड़ा, आरोपी को सुरक्षित जेल पुलिस थाने के तरह शिफ्ट कर दिया। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई? निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी आरोपी हैं, जितने भी आरोपी हों, जिन्होंने इस तरह का कुछ कृत कर रखा है, जो क्राइम चाहे महिला अपराध से संबंधित हो या समाज को बिगाड़ने वाला और कोई क्राइम हो, ऐसे सभी अपराधियों के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल रखा है कि बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और उन्होंने अगर ऐसी संपत्ति बनाई अपराध से तो उसको नष्टनाबूद किया जाए, उसी तरह क्रम में ये कार्रवाइयाँ जिले में। सर, ऐसे आरोपी के ऊपर आपने हेलमेट पहना के और वर्दी पहना के भेजा, इसमें क्या कारण था? नहीं, हेलमेट और वर्दी का इशू नहीं है, जिस तरह से आप लोग देख रहे थे कि वहाँ कुछ लोग ऐसा था और इस तरह का माहौल बन रहा था, तो पुलिस की निश्चित रूप से ड्यूटी बनती है कि जो उसके अभिरक्षा में व्यक्ति है, आरोपी हो या कोई और व्यक्ति हो, उसकी सुरक्षा प्रदान करना, इसलिए उसको सुरक्षा इस तरह से लाया गया। सर, बाबा ने पूछताछ में कुछ सवाल बात की है? बहुत सारी चीज़ें उसने बताई जो अभी आप लोगों के सामने खुलासा नहीं किया जा सकता, अभी वो सब लिखा पड़ी में है, तस्दीक करने के बाद आगे। कितने आरोपी बने हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ लोगों को और नाम आ रहे हैं, अभी नामों का खुलासा कर देंगे। बाबा से पूछताछ इस बारे में की जा रही है कि किस किस द्वारा उसके साथ में सहयोग किया गया और कौन कौन व्यक्ति उसके साथ थे,
रिमांड में लिया गया कि भेज दिया गया? पुलिस रिमांड में लिया गया। कितने दिन के रिमांड में सर? दो दिन के रिमांड में। ठीक ठीक।